दयाल निहलानी ने साल 1988 में मूवी अंधायुस से एज ए डायरेक्टर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस मूवी के लीड कास्ट में राज बब्बर, नाना पाटेकर, रोहिणी हटांगड़ी, दिव्या राणा, पल्लवी जोशी और अनंत जोग शामिल थे। ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1989 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई गुरु दक्षिणा। इस मूवी के लीड कास्ट में अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, सतीश कौशिक और अमिता खोपकर शामिल थे। ये एक ड्रामा मूवी थी। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1992 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई करम योद्धा। इस मूवी के लीड कास्ट में राज बब्बर, डिंपल कवाडिया, जावेद जाफरी, ओम पुरी और परेश रावल शामिल थे। ये एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 1,45,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 85,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 1,40,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1995 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई गैम्बलर। इस मूवी के लीड कास्ट में गोविंदा, शिल्पा शेट्टी, आदित्य पंचोली, गुलशन ग्रोवर, राज बब्बर और मोहन जोशी शामिल थे। ये एक एक्शन कॉमेडी क्राइम मूवी थी। इस मूवी का बजट 5,50,00,000 रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 5,17,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 10,15,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1996 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई एक थर राजा। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील शेट्टी, आदित्य पंचोली, सैफ अली खान, नीलम कोठारी, प्रतिभा सिन्हा और इंद्राणी बनर्जी शामिल थे। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी का बजट 3,50,00,000 रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 2,66,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 3,76,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1997 में एज ए डायरेक्टर इनकी अगली मूवी आई इंसाफ द फाइनल जस्टिस। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, परेश रावल, रणजीत बेदी और अलोक नाथ शामिल थे। ये एक एक्शन कॉमेडी क्राइम मूवी थी। इस मूवी का बजट 4,75,00,000 रुपए था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 3,71,00,000 रुपए कमाए और पूरे दुनिया भर में इस मूवी ने 5,40,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको दयाल निहलानी की एज ए डायरेक्टर उनकी सभी मूवीज के बारे में बता दिया। दयाल निहलानी की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।